हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फोमैटिका एनजीओ चैनल। इस चैनल के द्वारा हम आप तक एजुकेशनल वीडियोस पहुंचाएंगे और आज का हमारा वीडियो है एनटीएससी के बारे में। अभी एनटीएससी एग्जाम चालू कैसे हुआ? 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनसीईआरटी को स्टैब्लिश किया, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब एनसीईआरटी को स्टैब्लिश करने का पर्पस ये था कि जो स्कूलिंग सिस्टम है इंडिया का वो थोड़ा और इम्प्रूव कर जाए और क्वालिटेटिव बन जाए। जैसे ही इस काउंसिल की स्थापना हुई तो सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स लाए गए, उनमें से एक है NSTSS, द नेशनल साइंस टैलेंट रिसर्च स्कीम, जिसको लाया गया 1963 में। अब इसने आइडेंटिफाई किया टैलेंटेड बच्चों को और अवार्ड और स्कॉलरशिप दी। अब ऐसे टैलेंटेड बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया, जो कि दो स्टेजेस में। पहली स्टेज जिसमें जो यूनियन टेरिटरी है या फिर कोई इंडिविजुअल स्टेट है वो अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, और दूसरे में एनसीईआरटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जो कि नेशनल लेवल पर होता है। अब जो पहला लेवल है वो है स्टेट लेवल। जो भी बच्चा स्टेट लेवल एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है वो नेशनल लेवल के लिए एप्लीकेबल होता है। जो स्क्रीनिंग की जाती है स्टेट लेवल की, या तो वो स्टेट करता है या तो वो जो यूनियन टेरिटरी कंडक्ट करवा रहा है वो करता है। और जैसे ही एक बार स्टेट लेवल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो जो नेशनल एग्ज़ाम के लिए बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनको कोई भी एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं भरनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं स्टेट महाराष्ट्र की, NTSE 2020। महाराष्ट्र में जो स्टेज वन है NTSE का वो होने वाला है 2nd और 3rd नवंबर को। स्टेज टू होगा May 10th, 2020 में। एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ NTSE, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, ये जो NTSE एग्ज़ाम है वो दो स्टेजेस में है। पहला स्टेज जो स्टेट लेवल टैलेंट एग्ज़ाम भी कहलाया जाता है, और साथ ही साथ ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम फॉर स्टेज टू ये भी होता है। दूसरा स्टेज जो NCERT कंडक्ट करवाती है, और इस स्टेज को क्लियर करने के बाद आप NTSE एग्ज़ाम क्वालिफाइड कहलाते हैं। NTSE महाराष्ट्र 2019, इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। जैसे कि आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको अगस्त 16, 2019 मिलना चालू हो जाएंगे। एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट सितंबर 11 है। लेट फीस के साथ आप फॉर्म्स भर सकते हैं सितंबर 18 तक। महाराष्ट्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड में वो NTSE एग्ज़ाम 2019 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे जो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उनको फॉर्म्स उनके रिस्पेक्टिव स्कूल्स में मिल जाएंगे, और वो वहीं पर अपने फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं सिर्फ 120 रुपीज़ में। इस लिंक पर क्लिक करके इस बच्चे अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और ये फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फिल करके ये अपने स्कूलों में सबमिट कर सकते हैं। स्कूल अथॉरिटीज़ ये पूरे फॉर्म कलेक्ट करके स्टेट लायजन को सबमिट करती है लास्ट डेट के पहले। बच्चे जो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि स्कूल UDISE कोड, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस डिटेल्स, प्रिंसिपल या HM, मोबाइल नंबर, स्कूल ईमेल ID। NTSE एग्ज़ाम पैटर्न 2019। NTSE का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो दो सेक्शंस में है, MAT यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट और SAT कॉलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट। ये दोनों ही टेस्ट 100-100 मार्क्स के होंगे, यानी 100 मार्क्स ईच, जो कि आपको 120 मिनट्स में पूरे करने होंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज टेस्ट और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट स्टेज वन का पार्ट नहीं होगा। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, सेक्शन वाइज एग्जाम पैटर्न, टाइम ड्यूरेशन और क्वालिफाइंग स्कोर्स। सेक्शन जैसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट 100 मार्क्स का होगा, जो कि एक नंबर यानी 1 मार्क्स ईच 120 मिनट्स में आपको पूरा करना होगा। जनरल कैटेगरी के लिए 40% मैक्सिमम मार्क्स हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए, और SC ST और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 32% है। SAT यानी स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट 100 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे इसमें, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 120 मिनट्स आपको मिलेंगे इसको पूरा करने के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 40% मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए, और SC ST अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 32% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए। स्कॉलरशिप्स एंड अवार्ड स्टेज टू। इस स्कीम के अंतर्गत स्कॉलरशिप उन लोगों को मिल सकती है जो परस्यू कर रहे हैं साइंस और सोशल साइंस। इनको डॉक्टरेट लेवल तक स्कॉलरशिप मिल सकती है, और साथ में जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं जैसे कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, उनको सेकेंड डिग्री लेवल तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। अभी तक 1000 स्कॉलरशिप यानी 1000 स्कॉलरशिप ऑल ओवर दी कंट्री दी गई है।
रिजर्वेशन है 15% का जो एससी के लिए है और 7.5% जो एसटी के लिए है, 27% बैकवर्ड कास्ट के लिए है और 4% ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे बच्चों के लिए है जो बेंचमार्क डिसेबल्ड हैं। स्कॉलरशिप्स जो हैं वो एक स्टेजेस में डिवाइड किए गए हैं, जो स्टेजेस ऑफ एजुकेशन के बेसिस पे, जैसे स्कॉलरशिप ऑफ ₹1,250 पर मंथ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, स्कॉलरशिप ऑफ ₹2,000 पर मंथ फॉर यूजी एंड पीजी लेवल, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग पीएचडी इन अकॉर्डिंग्स विद यूजीसी नॉर्म्स। बेनिफिट्स एक्सेप्ट स्कॉलरशिप, यानी जो बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप ही नहीं साथ ही साथ दूसरे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि थाउजेंड स्कॉलरशिप जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गारंटीड है। साथ में उनका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, वो और भी मोटिवेट होते हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए, उनको पता चलता है कि वो इतनी भीड़ में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। गेट एडमिशन इन टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो बच्चे NTSE का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है बहुत सारे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम माना गया है, इसलिए अगर आप अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, वहाँ पर भी आपको डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। कुछ इंस्टीट्यूट्स में तो पहले से ही बच्चों के लिए सीट्स रिजर्व रहती है जो NTSE क्रैक क्वालिफाइड हैं। यू गेट अ कॉम्पिटिटिव एज व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब, यानी आपको पहले प्रेफर किया जाएगा अगर आप NTSE क्वालिफाइड है तो। आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो प्रेफरेंस आपको पहले दिया जाएगा। डिस्काउंट्स, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बच्चे जो NTSE एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं। उनके हायर स्कूल लेवल पे जो वो बुक्स ख़रीदना चाहते हैं, कोर्सेज मटेरियल ख़रीदना चाहते हैं, अगर बुक्स महंगी हैं तो उसमें उनको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है। अगर वो कोई कोर्स या कुछ आगे करना चाहते हैं उसमें भी उनको डिस्काउंट मिलता है। ये जो एग्ज़ाम है ये सेल्फ असेसमेंट और स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। आई होप आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो। NTSE के बारे में और भी डिटेल में जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ ट्यून रह सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो हम कोशिश करेंगे हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करें। स्टे ट्यून विद इन्फोमैटिका NGO चैनल। थैंक यू।